Good morning students, class 6 to 8, elements of art, topic, texture. सबसे पहले आपको स्क्वायर शेप ड्रॉ करना है. स्क्वायर शेप टोटल 8 बॉक्स आप इस केस बुक में आप ड्रॉ करोगे. इस केस बुक का जो पेज है यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 स्क्वायर ड्रॉ करना. इजी टेक्निक सर ड्रॉ कर दिखाना आपको. सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन. तो आपका जो ड्राइंग पेज है, जो बेस लाइन है, ये बेस लाइन उसका सपोर्ट लेकर आप स्ट्रेट लाइन, स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करोगे. यहाँ से आप 2 इंच डिस्टेंस डॉट करोगे. 2 इंच डिस्टेंस डॉट, 2 इंच डिस्टेंस डॉट लाइन को कनेक्ट करेंगे. ये हुआ स्ट्रेट लाइन. एक डिस्टेंस है 2 इंच. तो आपका जो बॉक्स है स्क्वायर से यहाँ पे 2 इंच डिस्टेंस, यहाँ पे 2 इंच डिस्टेंस. तो हमारी 2 इंच डिस्टेंस हमने मेजर कर लिया है. स्टैंडिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्क्वायर से स्पेस. ये जो स्पेस है ये सिमिलर रखना है. यहाँ से वापिस 2 इंच डिस्टेंस डॉट, 2 इंच डिस्टेंस मेजर है डॉट. स्टैंडिंग लाइन अगेन सिमिलर डिस्टेंस, अगेन 2 इंच डिस्टेंस डॉट, 2 इंच डिस्टेंस मेजर है डॉट. इस तरीके से आप इजीली एक साथ में स्क्वायर से बना लोगे. एक्स्ट्रा पार्ट ड्रॉ करना है इसीलिए आपके स्क्वायर से. सबसे पहले हम ड्रॉ कर रहे हैं टेक्सचर, वुडन टेक्सचर, वुड, वुड टेक्सचर, वुडन टेक्सचर जो है आपने देखा होगा. बाद में आपको ड्रॉ करना है ब्रिक. सिमिलर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हुआ ब्रिक. उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे रॉक, पत्थर. ये पत्थर है, स्मॉल, छोटे भी हैं और बड़े भी हैं. स्पेस कवर करना है, जितना भी स्पेस है वहां पे छोटे बड़े आपको पत्थर, स्टोन, रॉक कंप्लीट करना है. और तो उसके बाद है रूफ, टाइल्स, रूफ की टाइल्स कैसे होती है वो रूफ. उसके बाद कारपेट, कारपेट टेक्सचर के साथ में
बाद नेक्स्ट है ग्रास, ग्रास टेक्सचर, डिफरेंट साइड लाइंस, बाद फिंगर प्रिंट, जो आपकी फिंगर थंब पे जो प्रिंट है वो फिंगर प्रिंट, फिंगर प्रिंट आप एक्स्ट्रा देखोगे, जो पैटर्न्स है, टेक्सचर्स है, वो आप अपने स्केच बुक में जो येलो बुक है उसमें आपको ड्रॉ करना है। मैंने आपको दिखाया जैसे आपको एक बॉक्स ड्रॉ करना है, ऊपर फोर ड्रॉ करो, नीचे फोर ड्रॉ करो, और जितने भी पैटर्न्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, टेक्सचर्स यहाँ ड्रॉ किए हैं, वो आपकी बुक में ड्रॉ करना है। थैंक यू।